अगर आपके सैमसंग गैलेक्सी M02 फ़ोन में ऑटोमेटिक फ़ोन रीस्टार्ट हो जा रहा है या ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जा रहा है, टर्न ऑफ हो जा रहा है, तो उसे हम उस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे, कैसे सही कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे चले जाइए। उसके बाद यहाँ पर आप सर्च के ऑप्शन पर आ जाइए। यहाँ आपको सर्च करना है जो मैं सर्च कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑटो रीस्टार्ट। तो इसे आपको क्लिक कर, यहाँ पर ऑटो रीस्टार्ट एट सेट टाइम्स पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर देखिए, जो मैंने टर्न ऑन किया अभी, ये ऑन नहीं होना चाहिए, तो इसे आपको ऑफ ही रखना है। अगर ये बाय चांस ऑन है तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। इसके वजह से ही ऑटोमेटिक आपका फ़ोन ऑफ या रीस्टार्ट हो जाता है। तो फिर इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उसके लिए आपको वापस से सेटिंग्स पे आ जाना है और यहाँ पर दोबारा सर्च पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ आपको वापस से सर्च करना है। क्या सर्च करना है? रीसेट। तो इसके बाद आप यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स देख पाएंगे। इसे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स को भी खोल लेना है। देखिए, यहाँ पर आपको रीसेट सेटिंग्स करना है और डरना नहीं है, कोई भी आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। बेफिक्र होकर आप यहाँ पर रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। देखिए, ये करने से भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है आपके फ़ोन में बैटरी प्रॉब्लम है। तो बैटरी को सही करने के लिए, बैटरी रिप्लेस करने के लिए आपको सर्विस सेंटर या मोबाइल की रिपेयरिंग की शॉप में जाना होगा। वो आपसे शायद 2 से 2500 तक लेंगे इसे सही करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सचर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।